गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 13 है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी आप किसी को उधार देते हो या किसी से कोई चीज उधार लेते हो तो वो कहलाता है प्रिंसिपल, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। और जिस रेट पर आप उससे उधार लेते हो, जैसे रेट क्या होती है, 2%, 4%, 5%, 10%, ये क्या होती है, रेट होती है। और कितने टाइम के लिए लेते हो, ये तीन चीजें यूज होती है सिंपल इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है SI=P×R×T/100। इस सिंपल से फॉर्मूले से आप सिंपल इंटरेस्ट सिंपली निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, P की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू रख देनी है, जो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4000, तो 4000 P की जगह, R की जगह 5% तो 5 रख देंगे, T कितना है 2 years, तो T की जगह 2 रख देंगे। जैसे सॉल्व करके देखते हैं, P क्या है 4000, तो 4000 इंटू R की वैल्यू 5, तो 5 इंटू T की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन में 100, 10 से 10, 2nd 0 से 2nd 0। तो ये क्या बच गया, 4 × 5, 4×5 = 20, 22 = 40, 40 और 0 = 0, तो 400 आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। एक बार हम और देख लेते हैं, जैसे बाकी सर, तो जैसे ये थर्ड में देखिए, आपको 18 मंथ्स बोल रखा है। अब 18 मंथ्स कितने होते हैं, तो 18 मंथ्स होते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर = क्या हो गया 12 मंथ्स। अब कितने बच गए, 6 मंथ, तो 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ईयर। तो चाहे तो आप इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं कि 1 होल, या आप इसको 1.5 ईयर भी यूज, 1.5 हो जाएगा, वैसे चलेगा। जैसे ये वैल्यू है तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। तो जो आपको 2 यूज करना है वो कहां पर यूज करोगे आप, नीचे इस जगह, ये 3 ऊपर वाला 3 रह जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा। और है आपके, जैसे ये परसेंटेज देखिए 7.5 दे रखा है, तो पॉइंट वाला एक और कर लेते हैं, इसमें डेज भी कितने हैं, 80 डेज है, 20,000 आपका हो गया, रेट है 7.5% और डेज है 80 डेज। तो आपके डी में क्या है कि आपको दे रखा है P=20,000, R=7.5 और T=10 दे रखा है 80 डेज। अब 80 डेज पर हमें तो ईयर के हिसाब से लेना पड़ता है, तो 80 डेज को ईयर में चेंज करेंगे तो इसमें डिवाइड किसका दे देंगे, जैसे 18 मंथ थे तो हम उसमें 12 मंथ्स का डिवाइड दे देते, तो ये क्या करता था 3/2 इस टाइप से, तो 3/2। अब इसमें क्या है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 365 का क्या दे देंगे हम डिवाइड। देखिए मैं करके बताता हूं, जैसे P क्या है आपका 20,000, R है आपका 7.5 इंटू टाइम है 80, और ये अपॉन में कहां चला जाएगा 365। यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, जब भी ऊपर का कोई पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, 10 लग जाता है, तो इस पॉइंट से ये हट गया, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1, 2, 1, 2। अब काट लेते हैं, 75 के टेबल में ये आता है क्या, चेक कर लेते हैं, 375 आता है, नहीं आता, तो हम इसे काटते हैं 5 के टेबल से, काटते हैं तो 5 के टेबल में 75 15 टाइम और
ये 7 ठीक 3 टाइम और कुछ कट रहा है, अब 73 एक प्राइम नंबर आ गया। चलिए अब दे देते हैं डिवाइड, तो ऊपर क्या बचा 15 इंटू 8 और इंटू 200, 15 8 था 120, 122 था 240, 240 और ये डबल जीरो के डबल जीरो। अब हमें देना है डिवाइड 73 से, 73 तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 3 से 9, 3 से 7 21, तो 290 ये आ गया, 3 माइनस कर लेंगे तो 21 एक जीरो कर सकते हैं। अब 2 टाइम 73 इंटू 2 6 और 146, तो 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6 और 0, ऊपर से 1 और 0 आ जाएगा, ये कितने टाइम आया 2, तो 640, 7 3 इंटू 8 करते हैं 24 कैरी टू 56 और 56 और 2 58 हाँ ये ही होगा, तो 8 टाइम तो कितना है 584। ये अब 40 और 16, 10 में से 4 गए 6 और 13 में से 8 गए 5। अब पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगाने से यहाँ क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, तो 73 इंटू 7, 7 21 कैरी टू 7 7 41 और 51 ये आ रहा है, कितना टाइम आया 7 टाइम, 0 में से नहीं 10 में से बन गए 9, 5 में से 1 गए 4 लग गया 0। अब क्या है कि 5 11 आ रहा था 7 टाइम्स, तो इससे छोटा कितने टाइम आएगा 6 टाइम, तो हमने ये लिख दिया, तो हमारा जो प्रिंसिपल आया वो प्रिंसिपल क्या आ रहा है हमारा, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है कि 328.77 रुपीज, इतना प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट हमें क्या होगा कि अगले को देना होगा। अब एक चीज मैं भूल गया फर्स्ट में कि आपको अमाउंट भी पूछ रखा है, अमाउंट वो होता है कि आपने जो ब्याज लिया था, जो आपने पैसे लिए थे मूलधन प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों को जो ऐड करके आप पैसा देते हो वो क्या होता है आपका अमाउंट होता है, ए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपका प्रिंसिपल क्या था 20,000 और प्लस आपका इंटरेस्ट क्या है 328.76 रुपए, ये दोनों ऐड कर लेंगे 20,000 और 300 तो 20,328.76 रुपीज, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा जो आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट में भी आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है और इसमें भी आपको ऐड करना है और बाकी के क्वेश्चंस को आपको करके देखना है। थैंक यू सो मच।